फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित थापर। मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोने से कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। एक स्टोरी के जरिए जिसमें एक इंसान एक कुएं में गिर जाता है, खाली कुएं में, और उसको पता लगता है कि उसको बचाने वाला कोई नहीं है और वो फूट फूट के रोने लग जाता है। फूट फूट के रोने से उसके आंसुओं से वो कुआं भर जाता है और वो तैर कर कुएं में से बाहर निकल जाता है। मेरा मानना है कि आपको ये स्टोरी उतनी ही झूठी लगी होगी जितना कि ये कि रोने से सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल आते हैं। तो क्यों ना इस स्टोरी का दूसरा नजरिया सुना जाए, जिसमें वही इंसान जब कुएं में गिर जाता है रोने की बजाय अपने आप को कुएं में से बाहर निकालने का सोचता है और दीवारों में, कुएं की दीवारों में छोटे छोटे गड्ढे करके अपने हाथों और पैरों की मदद से कुएं में से बाहर निकल जाता है। मेरा मानना है कि रोया तब जाए रोने से जब कोई फायदा हो। एक 2 साल का बच्चा तब रोता है और उसे पता होता है कि उसके रोने से उसके माता पिता और उसके आसपास के लोग उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन उम्र के इस मोड़ पर आपको रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर रोने से किसी का फायदा होता तो पूरी दुनिया रो रही होती, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। मेरा मानना है कि आपको रोने की बजाय अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचना चाहिए, उस इंसान की तरह जिसको कुएं में पता था उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, उसको खुद ही मदद करनी पड़ेगी, रेदर देन चुपचाप वहां बैठ के रोने से कि अब तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा क्योंकि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको बताना चाहता हूं कि रोने से अगर फायदा हो तो जी भर के रोइए, लेकिन अगर आपको पता है कि रोने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा तो क्यों ना उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान दिया जाए रेदर देन चुपचाप अपना एक कोने में डिप्रेस या फिर रोने से। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए उन सबके साथ जिनको आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि रोने से किसी का कोई फायदा नहीं होता, उससे बेहतर है कि अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जाए। मेरी वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए शुक्रिया। रोहित थापर साइनिंग ऑफ। फैम खंडे।